वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपने गुजरात दौरे के पहले दिन सूरत और भावनगर में मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का करेंगे आगाज़। दुनिया के पहले CNG टर्मिनल और ब्रॉन फील्ड पोर्ट का रखेंगे संगे बुनियाद। वज़ीर-ए-आज़म गुजरात के अहमदाबाद में 36वें नेशनल गेम्स का करेंगे आगाज़। 12 अक्टूबर तक चलने वाले गेम्स में मुल्क भर से तकरीबन 15,000 खिलाड़ी 36 मुकाबलों में लेंगे हिस्सा। राजनाथ सिंह आज अरुणाचल प्रदेश में सरहदी चौकियों की ऑपरेशनल तैयारियों का लेंगे जायजा और फौजियों के साथ बातचीत भी करेंगे। राजनाथ सिंह कल आसाम में इंफ्रास्ट्रक्चर का लिया जायजा, फौजियों के साथ बातचीत करते हुए की उनकी कोशिशों और कुर्बानियों की तारीफ। अमेरिका यूक्रेन को देगा $1 अरब का जदीद तरीन असलहा, अब तक दी है $15 अरब की फौजी इमदाद। यूरोपीय यूनियन ने मॉस्को पर नई पाबंदियां लगाने की पेश की तजवीज। भारतीय क्रिकेट टीम की फातिहाना मुहिम जारी, पहले T20 में जनूबी अफ्रीका को 8 विकेटों से दी शिकस्त, 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। नाज़रीन आदाब, सुबह 9 बजे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपके साथ मसरूर फैज़ी और आइए अब खबरों पर तफसील के साथ नज़र डालते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के 2 रोज़ा दौरे पर होंगे। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म सूरत, भावनगर, अहमदाबाद और अम्बाजी में मुनाकिद प्रोग्रामों में तकरीबन 29,000 करोड़ रुपये की लागत वाले मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद भी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह तकरीबन 11 बजे सूरत में 3400 करोड़ रुपए से ज़ायद के मुख्तलिफ मंसूबों का संग बुनियाद रखेंगे और इफ्तिताह करेंगे, जिनमें पानी की फराहमी, आबी निकास के मंसूबों, ड्रीम सिटी, बायोडाइवर्सिटी पार्क और दिगर तरक्याती कामों जैसे अवामी बुनियादी सहूलियात, इलेक्ट्रिक गाड़ियों से मुतालिक बुनियादी ढांचे की सहूलियात के साथ साथ मरकज़ और रियासती हुकूमत के ज़रिए मुश्तरका तरक्याती काम शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म सड़क मंसूबों के पहले मरहले के कामों और डायमंड रिसर्च एंड मर्केंटाइल ड्रीम सिटी के दाखिली दरवाजे का इफ्तिताह करेंगे। सूरत में वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर हेडग्वार बर्स के भीमराड बिमरौली ब्रिज तक 87 हेक्टेयर से ज़ायद खत्ते में ज़ेर तामीर बायोडाइवर्सिटी पार्क का संग बुनियाद भी रखेंगे। इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म भावनगर जाएंगे, जहाँ वज़ीर-ए-आज़म 5,200 करोड़ रुपये से ज़ायद के मुतअद्दी तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म भावनगर में दुनिया के पहले CNG टर्मिनल और ब्रॉन फील्ड पोर्ट का संग बुनियाद रखेंगे। इस बंदरगाह को 4,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की लागत से तैयार किया जाएगा, जिसमें दुनिया के पहले CNG टर्मिनल के लिए जदीद तरीन इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जिसमें दुनिया का 4था सबसे बड़ा लॉक गेट सिस्टम होगा। वज़ीर-ए-आज़म पैकेज 7 25 मेगावाट पालीथाना सोलर PV प्रोजेक्ट, APPL कंटेनर्स प्रोजेक्ट समेत कई दिगर प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और सोनी योहलना लिंक 2 के पैकेज 9 चोरुडाला जोन वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट समेत दिगर प्रोजेक्टों का संग बुनियाद भी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म तकरीबन रात 9 बजे अहमदाबाद के GMDC मैदान में नवरात्रि महोत्सव में शामिल होंगे। वज़ीर-ए-आज़म अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम को 36वें कौमी खेलों का इफ्तिताह करेंगे और वज़ीर-ए-आज़म नेशनल गेम्स में शिरकत करने वाले मुल्क भर के खिलाड़ियों से खिताब भी करेंगे। तकरीब के दौरान वज़ीर-ए-आज़म दीसर में आलमी मेयार के स्वर्णम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का भी इफ्तिताह करेंगे। रियासत गुजरात में पहली बार कौमी खेलों का इनेकाद किया जा रहा है, जो आज से 12 अक्टूबर तक जारी रहेगा। मुल्क भर से तकरीबन 15,000 खिलाड़ी, कोचेज और मुतालिक अफसरान 36 मुख्तलिफ अकसाम के खेलों में हिस्सा लेंगे, जिससे अब तक का सबसे बड़ा कौमी खेल बन जाएगा। खेलों के मुकाबले 6 शहरों यानी अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट और भावनगर में मुनाकिद होंगे।
ये खेल दूरदर्शन पर बराह रास्त नशर किए जाएंगे। दूरदर्शन ने गेम्स के टेलीकास्ट के लिए खसूसी तैयारियां की हैं। दूरदर्शन ने नेशनल गेम्स के लाइव टेलीकास्ट के लिए 100 से ज़्यादा कैमरे नस्ब किए हैं। इसके अलावा 10 ओबी वैन और 10 DSNG नस्ब की गई हैं। खसूसी कवरेज आलात भी इस्तेमाल किए जाएंगे, उनमें PTZ कैमरे, सुपर स्लो मोशन कैमरे, रीप्ले सर्विसेज, राउंड कैमरे के और इसके अलावा खसूसी लेंस, फिश आई और टेलीफोटो शामिल हैं। इन सब के ज़रिए गेम्स के लाइव एक्शन की छोटी से छोटी बात भी कैमरे में कैद करके नाजरीन तक आसानी से पहुंचाई जा सकेंगी। और बीजेपी सदर जेपी नड्डा आज से ओडिशा के दो रोज़ा दौरे पर हैं। इस दौरान जेपी नड्डा कई अवामी और तंजीमी प्रोग्रामों में हिस्सा लेंगे और पार्टी की तरफ से माजी में चलाए गए मुख्तलिफ प्रोग्रामों का भी जायज़ा लेंगे। जेपी नड्डा आज दोपहर भुवनेश्वर पहुंचेंगे, जहां पार्टी कारकुनान और सीनियर अहदेदारान उनका इस्तकबाल करेंगे। इस दौरान भुवनेश्वर हवाई अड्डे से रियासती बीजेपी के दफ्तर तक एक बाइक रैली भी निकाली जाएगी। बीजेपी सदर जेपी नड्डा कारकुन कॉन्फ्रेंस से खिताब भी करेंगे और रियासती अहदेदारों, ज़िला सदूर और ज़िले इंचार्जों के अलावा पार्टी के अरकान पार्लियामेंट और रियासत के MLAs के साथ भी मीटिंग करेंगे। बीजेपी सदर जेपी नड्डा शाम में विचार खानदान के अरकान से मुलाकात करेंगे। वज़ीरे दिफा राजनाथ सिंह आसाम और अरुणाचल प्रदेश के 3 रोज़ा दौरे पर हैं। वज़ीरे दिफा ने बुध के रोज़ आसाम के तिनसुकिया में ज़िले के दिनजान में मुल्क की सबसे मशरक़ी फौजी चौकी का दौरा किया और उसकी ऑपरेशनल तैयारियों का जायज़ा लिया। वज़ीरे दिफा ने DAO डिवीज़न के एहलकारों से मुलाकात की और बातचीत की। इस दौरान आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे भी उनके साथ मौजूद थे। मुलाकात के दौरान भारतीय फ़ौज के जवानों ने गाना संदेश से आते हैं गाया। राजनाथ सिंह ने मुश्किल हालात में स्पेयर कोर के बेहतरीन काम और बेहतरीन खिदमात की तारीफ की। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह आज अरुणाचल प्रदेश में सरहदी चौकियों की ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लेंगे और फौजियों के साथ बातचीत करेंगे। वज़ीर दिफा आसाम और अरुणाचल प्रदेश के 3 रोज़ा दौरे पर हैं। इस दौरान उनका सरहदी इलाके के दौरे का प्रोग्राम है। राजनाथ सिंह के साथ आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे और दीगर सीनियर अफसरान भी होंगे। वज़ीर दिफा अरुणाचल की मकामी एदोमिशमी कबायली बिरादरी के मजहबी मकाम आथू पुईपू की सालाना यात्रा में शिरकत करने वाले लोगों से भी बातचीत करेंगे। भारतीय फ़ौज 2021 से ही सियाहत को फ़रूग़ देने के लिए इस यात्रा में तआवुन कर रही है। वज़ीर दिफा सरहदी सड़क तंजीम के बुनियादी ढांचे के मंसूबों का भी जायज़ा लेंगे। और आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर अमरीका के नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर एवर हंस से मुलाकात की ताकि दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया जा सके। जयशंकर ने एवर हंस के साथ अपनी मुलाकात पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि उन्होंने भारत अमरीका स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने पर तबादला ख्याल किया। मुल्क में मुंह के कैंसर के मामले में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मुंह के कैंसर के बाइस हर साल हज़ारों अफराद की मौत हो जाती है। इसकी वजह यह है कि कैंसर की जांच महंगी है। स्टार्टअप सेस्कैन से इस टेस्ट को आवाम के लिए कम कीमत और आसानी से दस्तियाब कराने के लिए काम कर रहा है। उसने एक ऐसा आला तैयार किया है जो बहुत कम वक्त में मुंह के कैंसर का पता लगा सकता है। इसने नेशनल स्टार्टअप अवार्ड भी मिल चुका है। पेश है ये खसूसी रिपोर्ट। मुल्क में दूसरे कैंसर के मुकाबले मुंह का कैंसर होना आम है। आने वाले दिनों में मुंह के कैंसर का पता लगाना काफी आसान और किफायती हो सकता है। ये सब मुमकिन हो पाएगा साइंसदान से बायोमेडिकल सनअतकार बने डॉक्टर सुभाष नारायणन के जरिए कायम करदा स्टार्टअप सस्कन से, जिसका असल फोकस कैंसर की जाँच और देखभाल के लिए कम लागत वाले सेहत आलात और इसके हल को फरोग देने पर मरकूज है। सस्कन ने ओरलेस्कैन नामी आला तैयार किया है, जिसके जरिए बिना बायोप्सी मुंह के कैंसर का जल्दी और मुअस्सर तौर से पता लगाया जा सकता है। हमारा सिस्टम तो पोर्टेबल है पहली बात, और दूसरी बात है कि एक क्लाउड बेस्ड एल्गोरिथम यूज़ करता है वो डिटेक्ट करने के लिए, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव रिजल्ट्स आपको मिलता है इस क्लाउड बेस्ड एल्गोरिथम से।
तो उस स्क्रीनिंग के इमीडिएटली 5 मिनट के अंदर आपको रिजल्ट आएगा कि ये कैंसर से या नहीं है, और कैंसर से तो किधर से बायोप्सी लेना है भी, वो इन्फॉर्मेशन भी हमारे डिवाइस से मिलता है। सो ये रिपोर्ट जो हम अभी नियर बाई हॉस्पिटल से शेयर कर सकते हैं, उधर से पेशेंट को फॉलोअप भी कर सकते हैं। जो लोग गाँव से है और ऐसे ट्राइबल लोग हॉस्पिटल्स में नहीं आ सकते, वो भी इससे एडवांटेज ले सकते हैं कि हम वहाँ जाकर उनके जो जहाँ पे वो रहते हैं उनके जहाँ जाकर ये स्क्रीन कर सकते हैं और उनको पता चलेगा कि उनके मुंह में क्या है और वो आके फिर डॉक्टर को दिखाएंगे। मुल्क में ओरला स्कैन की पहले ही कई मराकिस पर जांच की जा चुकी है और इसकी तकनीक को भारतीय पेटेंट भी मिल चुका है, जबकि अमेरिका और यूरोप में इसे पेटेंट मिलना अभी बाकी है। प्रोडक्ट का मार्केट बहुत बड़ा है, मार्केट ग्लोबल मार्केट बहुत बड़ा है। रिसेंटली वी हम फ्रांस में एक एक्सपीरियंस में लिए गया था, बहुत सारा सपोर्ट हमको मिला उधर, बहुत सारे लोग इस और जाने के लिए हमारा स्टॉल से पहुंचा, बहुत टाइप्स हुआ, बहुत पॉजिटिव टाइप्स हुआ। अब तो हम मिडल ईस्ट के कुछ लोगों के साथ बातचीत कर रहा है, बहुत एडवांसमेंट किया है उस दौरे में। उसके बाद जापान, पापुआ न्यू गिनिया, यूरोपियन मार्केट सब ओपन है हमारे लिए। भारत जैसे मुल्क में मुंह का कैंसर शरेआमवाद के अहम असबाब में से एक बन गया है। मुल्क में हर साल मुंह के कैंसर से तकरीबन 75,000 लोगों की जान चली जाती है। ऐसे में ओरला स्कैन जैसी तकनीक कैंसर के खिलाफ लड़ाई में काफी मददगार साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, उर्दू खबरें। और आइए आगे बढ़ते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की यौम तासीस तकरीबात के मौके पर दिल्ली के विज्ञान भवन में कल मुतालिका आलात की एक नुमाइश की गई। इस नुमाइश में मुख्तलिफ रियासतों की डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जदीद तरीन आलात रखे गए हैं। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय ने नुमाइश का जायज़ा लिया, जिसमें सैलाब की सूरत हाल से निमटने के लिए अहम आलात रखे गए हैं। डिज़ास्टर मैनेजमेंट नुमाइश की तफसील बता रहे हैं हमारे नामा निगार राजेश राज। आइए एक नज़र डालते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के स्थापना दिवस के मौके पर विज्ञान भवन में एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है और यह प्रदर्शनी विभिन्न राज्यों की है। अभी हम जहां पर खड़े हैं ये उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इसको लगाया है। जो ये दिखाया जा रहा है ये बेसिकली है क्या? देखिए, ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जो पूरे देश में एक आपदा मित्र परियोजना चलाई जा रही है, उसके अंदर उत्तर प्रदेश के 25 जिले चयनित किए गए हैं जो कि मुख्यतः बाढ़ से प्रभावित जिले हैं, और जिसमें 10,200 वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग देने का कार्य किया जा रहा है। उन्हें आपदा मित्र और आपदा सखी की ट्रेनिंग हम लोग दे रहे हैं। 12 दिवसीय रेसिडेंशियल ट्रेनिंग है, जिसमें हमने हर एक आपदा मित्र को एक इंडिविजुअल इमरजेंसी रेस्पॉन्डर किट और सभी 25 जनपदों में ये एक इमरजेंसी इसेंशियल किट दी है। इस किट में कुल 30 आइटम हैं, जिसके अंदर बाढ़ के समय में बचाने के लिए नाव, इंजन, फर्स्ट एड किट, स्ट्रेचर, कम्युनिकेशन के लिए वॉकी टॉकी, हॉट लाइट्स, और एरिया को कॉर्डन ऑफ करने के लिए एक बाढ़ में उसके लिए पार्क पिकेट्स, लाइफ बॉयज, इस तरह एंकर और एक छोटा टेंट। तो इस प्रकार से ये एक पूरी किट एक मिनी बस में इकट्ठी हो जाती है। जब अगर कोई बाढ़ में कोई व्यक्ति फंसता है उसमें इसका उपयोग जो है बखूबी जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के ये बहुत क्लियर निर्देश हैं। वो हमारे प्राधिकरण के अध्यक्ष भी हैं और उसमें उन्होंने ये हम लोगों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि बाढ़ राहत कार्यों में किसी भी प्रकार की कोताही ना की जाए। इस समय उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने ये EERR किट अपने सभी 25 चयनित जनपदों को उपलब्ध करा दी है। देखिए, उत्तर प्रदेश जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है उसने ये किट तैयार किया है। ये अपने आप में एक अनोखा, हम कह सकते हैं कि एक अभिनव और अनोखा प्रयोग है। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ विज्ञान भवन नई दिल्ली से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। राज्य शारदीय नवरात्र का चौथा दिन है। नवरात्र के 9 दिनों तक माँ दुर्गा की मुख्तलिफ शक्लों की पूजा की जाती है। आज नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा की तीसरी ताकत माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। मंदिर में अकीदतमंदों का हुजूम है।
अकीदतमंद माँ से सेहत, खुशहाली और खुशी की दुआएं मांगने मंदिरों में पहुंच गए हैं। माँ के मंदिर में सुबह से ही अकीदतमंदों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। सुबह से ही माता रानी की पूजा के लिए भीड़ लगी हुई है। मंदिरों में मुख्तलिफ जगहों पर भजन कीर्तन हो रही है। और आइए अब आलमी खबरों पर नज़र डालते हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को 1.1 बिलियन डॉलर की नई फौजी इमदाद देने का ऐलान किया है। नए पैकेज में रॉकेट लॉन्चर्स और ड्रोन हमले करने वाले हथियार होंगे। ये इमदाद यूक्रेन के चारों खित्तों में रेफरेंडम करके यूक्रेनी इलाकों को रूसी कब्जे से बचाने के लिए दी जाएगी। ये ताज़ा तरीन इमदाद अमरीकी पार्लियामेंट की मंजूरी के बाद ही दी जाएगी और असलहा बराह रास्त मैनुफैक्चरिंग कंपनियों से मंगवाया जाएगा। अब तक यूक्रेन को अमरीकी फ़ौज के हथियारों से ही फौजी इमदाद दी जा रही थी। अमरीका ने जंग के आगाज़ से अब तक यूक्रेन को तकरीबन 15 बिलियन डॉलर की फौजी इमदाद दी है। यूक्रेन के लिए अमरीकी पैकेज में भारी सामान की नकल व हमल के लिए तकरीबन 150 गाड़ियां, 40 ट्रक और 80 ट्रेलर शामिल हैं। बगैर पायलट के फ़िज़ाई निज़ाम का पता लगाने के लिए 2 रडार, 20 मल्टी मिशन रडार, तकनीकी तौर पर महफूज मवासलात और निगरानी के निज़ाम के साथ साथ बॉडी आर्मर, ट्रेनिंग, मेंटेनेंस और पुर्जे भी इस पैकेज का हिस्सा हैं। साथ ही रूस का कहना है कि अमेरिका हथियार भेजकर यूक्रेन में शदीद तसादुम के हालात पैदा कर रहा है। इन हथियारों से हालात मजीद ख़राब होंगे, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी अमरीका पर आयद होगी। दरअसना यूरोपीय यूनियन ने रूस पर नई पाबंदियाँ आयद करने की तजवीज़ पेश की है। ईरान के पासदारान इनकलाब ने हमसाया मुल्क के शुमाली इराक के कुर्द इलाके में दहशतगर्दों के ठिकानों पर मिज़ाइल और ड्रोन से हमले किए हैं, जिसके नतीजे में 13 अफराद हलाक हो गए हैं। ईरानी हुक्काम ने बताया कि इस हमले में कम से कम 58 अफराद जख्मी हुए हैं। ईरान की सरकारी खबर रसा एजेंसी और दिगर नशरियाती इदारों का कहना है कि मुल्क के पासदारान इनकलाब ने शुमाली इराक में अलाहदगी पसंद ग्रुप के कुछ ठिकानों को मिज़ाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया है। ईरानी ड्रोन्स ने कोया के आसपास के फौजी कैंपों, घरों, दफातर और दिगर इलाकों को निशाना बनाया है। शदीद गर्दाबी तूफान अयान की वजह से अमेरिका के फ्लोरिडा के साहिल पर बड़ा हादसा होने की खबर है। क्यूबा से तारिकीन वतन को ले जा रही एक कश्ती गरकाब हो गई है। इत्तला के मुताबिक यूएस बॉर्डर पुलिस ने बताया कि हादसे के बाद से कश्ती में सवार 23 अफराद लापता हो गए थे। हालांकि उनमें से 3 को बाद में बचा लिया गया है, जबकि 20 अफराद अब भी लापता बताए जा रहे हैं। और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू के अखबारात का मुख्तसर सा जायजा। अखबारात के जायजे में आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं रोज़नामा इनकलाब की अहम सुर्खियों पर। पहली अहम सुर्खी है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर 5 साल के लिए पाबंदी लगाई गई है। मरकजी वजारत दाखिला ने ऑल इंडिया इमाम काउंसिल समेत 8 दिगर तंजीमों के खिलाफ भी कार्रवाई की है। PFI ने तंजीम को तहलील करने का ऐलान किया, कहा कि मरकज़ के फैसले को कबूल करते हैं। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों ने इस पर रद्दअमल भी पेश किया है। आगे बढ़ते हैं, सफ़े अव्वल पर एक आलमी खबर को जगह दी गई है। सऊदी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के वज़ीर आज़म मुकर्रर किए गए हैं। अखबार ने इसको अपनी पहली सुर्खी कह सकते हैं लगाई है। सफ़े अव्वल पे हालांकि सऊदी शहजादे के वज़ीर आज़म बनाए जाने की खबर को। आगे बढ़ते हैं, रोज़नामा राष्ट्र इनकलाब के आलमी सफ़े की सुर्खियों की अगर बात करें तो डोनबास में रेफरेंडम के नतज को तस्लीम ना करें, मॉस्को पर शदीद तरीन पाबंदियाँ आयद करें। अक़वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के अजलास में ज़ेलेंस्की की आलमी बरदरी से अपील है। यूक्रेन ने इस मौके पर कहा कि रूस के कराए गए रेफरेंडम को मगरिब कभी तस्लीम नहीं करेगा। और आगे बढ़ते हैं, रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की अगर बात करें तो सफ़े अव्वल की पहली सुर्खी हम आपको दिखा देते हैं। सफ़े अव्वल की सुर्खी है, मरकज़ की मुफ्त राशन स्कीम में 3 माह की तौसी की गई है। मरकजी मुलाजमीन के DA में भी इजाफा किया गया है। वहीं ममता बनर्जी को धचका लगा है, द्वारे राशन स्कीम को गैर कानूनी करार दिया गया है। एक और खबर हम आपको दिखा देते हैं जो दूसरी अहम सुर्खी है, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान बने नए CDS। अखबार ने लिखा है कि हुकूमत ने एक अहम फैसला करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मुकर्रर किया है।
और आगे बढ़ते हैं, आलमी सफ़े की सुर्खी हम आपको दिखा देते हैं। पुतिन के जौहरी बयानात पर संजीदगी से गौर करना होगा। यूरोपीय पार्लियामेंट में सोशलिस्ट और डेमोक्रेट्स ग्रुप के इजलास से नाटो के सेक्रेटरी जनरल स्टॉल्टनबर्ग का खिताब। रूस में यूक्रेन के इलाक को मगरिब तस्लीम नहीं करना, ये कहना है ब्लिंकन का। और आगे बढ़ते हैं, एक और ख़बर हम आपको दिखा देते हैं। तालिबान रूस से गंदम और तेल दरामद करेगा। किसी मुल्क के साथ तालिबान हुकूमत का ये अब तक का सबसे बड़ा बाज़ाब्ता तजारती मुआहिदा हुआ है। तालिबान यानी रूस से अब गंदम और तेल बरामद करेगा। तो तालिबान ने रूस से मुआहिदा किया है, तजारती मुआहिदा कह सकते हैं इसे। तो नाज़रीन, ये था दिल्ली से शाया होने वाला उर्दू के अखबारात का मुख्तसर सा जायज़ा। और आइए आगे बढ़ते हैं, खेल की खबरों पर नज़र डालते हैं। टीम इंडिया ने तिरुवनंतपुरम में खेले गए पहले T20 मैच में जनूबी अफ्रीका को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी है। जनूबी अफ्रीका ने पहले खेलते हुए 20 ओवर्स में 8 विकेटों पर 106 रन बनाए। जवाब में टीम इंडिया ने आसानी से हदफ को 16.4 ओवर में हासिल कर लिया। भारत की जानिब से सूर्य कुमार यादव और KL राहुल ने निस्फ सेंचुरियाँ लगाई हैं। इस जीत के साथ ही भारत ने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल की है। सीरीज का अगला T20 मैच आसाम के दारुल हुकूमत गुवाहाटी में खेला जाएगा। और नाज़रीन, आइए आप जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का क्या है मिजाज। और नाज़रीन, बुलेटिन में वक्त है अब आपसे रुख्सत होने का, लेकिन जाने से पहले आपको बता दें कि एक मुद्दत तक अपनी मजाहिया अदाकारी से नाज़रीन को हंसाने और उनके दिलों में घर करने वाले फिल्मी अदाकार महमूद का आज यौम पैदाइश है। आपको छोड़े जाते हैं उनके कुछ सदाबहार नगमों के साथ। आप उनसे महसूस हों और हमें दें इजाज़त। आदाब। चतुरनार करके सिंगार मेरे मन के द्वार, ये घुसत जात हम मरत जात। अरे चतुरनार करके सिंगार पर सा मुत कोड़े कवाड़े हड़ा, मुत कोड़े कवाड़े हड़ा। अय्यर प्यार में जाना करना चाह वो भी मुझे करना पड़ा। अय्योड़ा अय्यो अय्यो मुत्तु कोड़ी कवारी हड़ा, अम्मे मुत्तु कोड़ी कवारी हड़ा। वेद वही कुरान वही है, राम वही रहमान वही है, किसी का दामन थाम तुझको अल्लाह रखे, किसी का दामन थाम तुझको अल्लाह रखे, दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे। काले से डर गए क्या? हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। चंदा ओ चंदा, चंदा ओ चंदा, किसने चुराई तेरी मेरी निंदिया, जागे सारी रहना।